लेकिन इसी बीच वो चार फिनिशेस यहाँ पे गॉडल के द्वारा निकाले जाएंगे, जहां पे एडमिनो के जीरो फिनिशेस रहने वाले हैं। एडमिनो ने एक भी फिनिशेस नहीं निकाले हैं यहाँ पे, और यहाँ पे शांतिपूर्वक अगर जाना चाहते हैं ये तो एक टीम को एलिमिनेट कीजिए वहां पे, कोशिश जैली जो है वो काफी ज्यादा फ्रंट लाइन पे खेल सामने रहने वाले हैं, तो क्या उनको एलिमिनेट करा जाएगा। एक नीड काफी बेहतरीन क्लोजिंग आते हुए नजर आएंगे, आप क्लोजिंग में मत आइए, इनके क्लोजिंग में तो इस वक्त मत आइए, आप दूर जाइए सर्वाइव कीजिए, लेकिन गॉडेल की क्लोजिंग में मत आइए, क्योंकि गॉडेल इस वक्त कुछ अलग लेवल पे खेलती हुई नजर आ रही है। टोटल 8 एलिमिनेशन अपॉर्चुनिटी रहने वाला है, जस्ट एक और प्लेयर जस्ट सामने के रहने वाले हैं, चलिए नॉक वाले प्लेयर को एलिमिनेट करेंगे। सातवां एलिमिनेशन पॉइंट, नौवां एलिमिनेशन पॉइंट, टॉप फ्रैगर को भी स्पॉट करा है एडमिनो ने, यहाँ पे किलर स्प्रे जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन चैली के द्वारा वहां पे टोटल 5 एलिमिनेशन पॉइंट। चलिए टॉप फ्रैगर को यहाँ पे नॉक करने में सफलता हासिल करेंगे, आसानी तरीके से डाउन दे दिया है, फिलहाल उनको नॉक दिया गया है, लेकिन अभी भी एक प्लस पॉइंट ये है कि आराम से अपने प्लेयर को रिवाइव कर सकते हैं। कवर के अंदर है, सौ कल है, मेहम के प्लेयर चारों तरफ से घेर चुके हैं वहां पे, हार्ड कंपाउंड को यहाँ पे पूरी तरह से यूज करते हुए नजर आएंगे। अब शायद से मुझे लग रहा है कि एडमिनो को भी एलिमिनेट किया जाएगा, मेंटल ब्लास्ट जरूर करी जाएगी क्लोज इन में, लेकिन चलिए हिटमैन को यहाँ पे नॉक कर दिया गया है। अब थ्री मैन अपने सहनशीलता के बल पे यहाँ पे जरूर एलिमिनेट करने की कोशिश करेगी। ओ माय गॉड, व्हाट, क्या इस रेत के तूफान के साथ साथ एफएस को ही भी बहा नहीं जाएगा ये रेत। चलिए फाइनली अब दूसरा प्लेयर भी नॉक आएगा, लेकिन इसी बीच एक रिटालिएशन कवर फायर आता हुआ नजर आ रहा है, एक रिटालिएशन आता हुआ नजर को एलिमिनेट किया जाएगा आसानी तरीके से। हालांकि मैं थोड़ा सा वंडर हूं कि एडमिनोज है वो इतना ज्यादा एडमिनो के लिए उतना ज्यादा हार्ड होगा नहीं, एडमिनो यहाँ पे क्लोजिंग करेंगे, इजीली एलिमिनेट करने का प्रयास करेंगे, वन वर्सेस वन का सिनेरियो और इजीली यहाँ पे एडमिनो के द्वारा। नहीं करा तो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। गॉडल की यहाँ पे बड़ी नजर आ रही है शुरुआती दौर के अंदर, अगर आप देखेंगे तो एक प्लेयर को नॉक, साथ में दूसरे प्लेयर को भी नॉक करेंगे एडमिनो, एक लौते उम्मीद, लेकिन चलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है इनका काम कर रहा है और इसका इनके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी रहेगा। सबसे उनको एलिमिनेट करना इनके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला नॉक आएगा यहाँ पे आसानी से, सफलता हासिल करेंगे, एक और प्लेयर को नॉकर ने एलिमिनेट करने की कोशिश, क्या वहां पे शायद एलिमिनेट कर पाएंगे वो एक बहुत बड़ा सवाल रहने वाला है। लेकिन चलिए वो डायरेक्टली स्लैम करने का प्रयास, पीछे से कवर फायर भी इनिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं, अगर यहाँ पे तो डेफिनेटली यहाँ पे उनको नॉक किया जाएगा, और वैसा ही कुछ हमें देखने को मिला है यहाँ पे, नॉक करने में सफलता भी हासिल करे हैं। सिम के बाद 600 रुपया की बात करेंगे तो सर्कल वेस्टर्न साइड के एरिया की तरफ जाती हुई नजर आएगी, लेकिन 5 फिनिशेस ऑलरेडी यहां पे गॉडल के द्वारा निकाली जा चुकी है। गॉडल के प्लेयर्स यहां पे कोशिश करेंगे कि बेहतरीन अप्रोच लाए, किसी की तरह से वहां पे प्लेयर्स को लेवरेट करें, थोड़ा सा आगे जाना वो चलाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेगा, अपने आप को हील करेंगे, हील करके आगे जाने की कोशिश, लेकिन फिलहाल इनको नॉक दे दिया गया है, साथ में एक और प्लेयर को नॉक करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन एडमिनो यहां पे पारी को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एडमिनो यहाँ पर नॉक कर देंगे उनको ली, अरे
अब सिम जो रहेंगे द सोलो सर्वाइवर। ओ माय गॉड, सिम के द्वारा एक 1v3 आया। अब यहाँ पे जेली को भी एलिमिनेट किया जाएगा आसानी तरीके से। अब इकलौते प्लेयर एडमिन रहेंगे, ये सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे। पहला नॉक इनके द्वारा, हालांकि यहाँ पे एडमिन के ऊपर एक शॉट भी कनेक्ट करी जा चुकी है। पहला नॉक आएगा, एक और नॉक निकाल दिया इन्होंने, बैक टू बैक दो प्लेयर्स को डाउन कर दिया है। उस प्लेयर को यहाँ पे रिवाइवल नहीं मिला है। जंप शॉट लेके बाद एपीपी करके, ओ माय गॉड, बहुत सारे शॉट मिस करने के बावजूद भी